टीवी टाउन की सबसे ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस हिना खान, जो अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और प्रिजर्वेंस से पहुंची है इस मुकाम पर। जी हाँ, हिना हैज रीच द हाइट्स दैट मेनी अदर्स ड्रीम, फ्रॉम प्लेइंग अ बहू ऑन अ टीवी शो टू वॉकिंग द रैम ऑन कैंस फिल्म फेस्टिवल टू मेकिंग हर बिग बॉलीवुड डेब्यू। बता दें कि हिना खान ने अपने हर एक सपने को पूरा किया है। हिना खान वो दीवा बन चुकी है अपनी जिंदगी में, इस पूरी देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जो संस्कारी बहू से लेकर एक वैम्प किरदार कमोलिका का निभा चुकी है। और हर एक किरदार में हिना खान है लाजवाब, हिना खान है बेमिसाल। जी हाँ, हिना खान ब्यूटी विद ब्रेन, जहाँ पर हिना खान की इस जर्नी को लेकर किस तरह से प्रियांक शर्मा ने की तारीफ, तो बता दें कि हिना खान बिग बॉस 11 सीजन में नजर आई थी, जहाँ पर उनका दोस्त प्रियांक शर्मा उनके साथ था। जी हाँ, द टू बिकम गुड फ्रेंड्स ऑन सलमान खान शो एंड टू डेट हैव देयर फ्रेंडशिप इंटैक्ट। बता दें कि रिसेंटली इनकी इंटरव्यू में प्रियांक शर्मा ने हिना खान को लेकर कई सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि काफ़ी अनबिलीवेबल फैंटास्टिक जर्नी है इस इंडस्ट्री में हिना खान की, और हिना खान को वो सैल्यूट करते हैं। द हैंडसम हंक सेड दैट ही सैल्यूट्स हिना खान फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वन शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फॉर 8 long years। बता दें कि यहाँ पर प्रियांक शर्मा ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर हिना खान ने भले ही इस शो को 8 साल दिए हैं, हिना खान ने भले ही कितनी ही कोशिश, कितनी स्ट्रगल उन्होंने यहाँ तक पहुँचने की है, लेकिन लोग वो नहीं देखते बल्कि ये देखते हैं तो सिर्फ हिना खान की उन ऊँचाइयों को, जहाँ हिना खान आज पहुँची हुई है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हिना खान ने इस मुकाम पर पहुँचने के लिए कितनी कोशिश की है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं, और एफर्ट्स के साथ मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि हिना खान मेरी दोस्त है, और हिना खान मेरी ज़िंदगी में आई दोस्त बनकर। बिग बॉस 11 का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे हिना खान से मिलवाया, मुझे मौका मिला हिना खान को जानने का और पहचानने का। हिना खान के साथ अगर कोई रहेगा तो वो जानेगा और समझेगा कि हिना खान सिर्फ अपने करियर और काम में ही बेस्ट नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेस्ट है, जो सबकी ज़रूरतों को समझती है, रिश्तों को समझती है, और यहाँ पर सबकी अहमियत समझती है। जी हाँ, इस तरीके से प्रियांक शर्मा ने हिना खान की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। बता दें कि प्रियांक और हिना काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के साथ एक एल्बम में भी नज़र आ चुके हैं। बता दें कि हिना और प्रियांक को काफ़ी बार एक दूसरे के साथ आउटिंग पर भी देखा गया है, और इसी के साथ उनकी जो एल्बम थी रांझना, उस एल्बम को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनके लवर्स, उनके फैंस ने दिया। तो इस तरीके से प्रियांक शर्मा ने हिना खान की स्ट्रगलिंग लाइफ को लेकर जिक्र किया और बताया कि हिना खान आखिर इस मुकाम पर है तो किस वजह से और कितनी मेहनत के बाद। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी कपूर।